शादी के बाद इंदिरा गांधी ने किया था इस्लाम धर्म स्वीकार। नमस्कार। ऐसा कहा जाता है कि शादी के बाद इंदिरा गांधी ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। सबसे पहले आपको बता दें कि फिरोज गांधी मुसलमान थे और इंदिरा गांधी ने निकाह के समय मुस्लिम धर्म स्वीकार किया था। लेकिन एक बात है कि इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी के बीच रिश्तों के तार काफी उलझे हुए थे। उनकी शादी के बाद का किस्सा कोई खास नहीं रहा। कहा जाता है कि शादी के बाद फिरोज जहांगीर खान का नाम बदल के फिरोज गांधी कर दिया गया। 1942 में राजीव के जन्म के बाद दोनों पति पत्नी अलग हो गए थे। हैदराबाद से प्रकाशित होने वाले प्रसिद्ध उर्दू अखबार दैनिक मुसिफ ने इस तरह का दावा किया कि वीडियो में नेहरू डैंड सिटी को लेखक के एन राव के हवाले से दावा किया गया कि इंदिरा और फिरोज ने लंदन में एक मस्जिद में जाकर निकाह कर लिया था और इंदिरा को मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा। मुसिफ में छपे लेख में दावा किया गया है कि फिरोज गांधी के ससुर जवाहरलाल नेहरू उन्हें सख्त नापसंद करते थे। मधुरा कांड, जीप टाले, सिरिखे नेहरू सरकार के भ्रष्टाचार के मामले उठाने के कारण जवाहरलाल नेहरू उनसे काफी नाराज थे।